माता बनो भाई बंधु रानी तारा बते के लगी पिया। आज इसी समय हरिचंद ने माता बनो जब रानी से मदद मांगने की गुहार लगाई, रानी के लगी पिया जो तुमने कही सो दोबारा मत कहना। जब से हम आप बिक गए ना, आप राजा रहे ना, मैं रानी नहीं चलेगी मनमानी। महाराज बदल गई जीवन की कहानी। मैं तुम्हारे घड़ा को उठाने की बहुत बड़ी बात, छूना भी मेरे लिए रानी बहुत बड़ा पाप है। रानी बोलो कैसी बातें करी रानी, घड़ा उठाने के लिए मना करे रानी। अरे वो दिन याद करो रानी जिसमें हम और आप एक मंडप के नीचे थे और एक दूसरे को सुख और दुख देने का साथ देने का वचन दिया था, वो वचन भूल गई रानी। महाराज समझने की कोशिश करो। अरे आप हमारी ओर देखो रानी, शरीर काम नहीं कर रहा है। देखो हम तुम्हारे घर आपको उठा तो नहीं सकती हूँ, उठवा नहीं सकती हूँ, मगर एक अकल जरूर बता सकती हूँ। अकल? हाँ। वो कैसे? वो ये अकल है। बोलो। आप दिल में प्रवेश हो जाओ, थोड़ा सारा पानी का मिल जाएगा, तुम्हारा घड़ा आसानी से उठ जाएगा। रो करके बोली है महारानी, अकल बताती हूँ। स्वामी देवी अकल जब रानी ने कहा महाराज जल में घुस जाओ, थोड़ा सारा पानी का मिल जाएगा, घड़ा उठ जाएगा। बेना और राजा जल में धस गए, जल में प्रवेश हो गए। के छाती तक जल में घुस गयो रे, अब सुनियो Thank you.
ने अकल बताई, राजा जल में प्रवेश हो गए, घड़ा उठा लिया बेनाओ, जैसे ही जल में डुबकी लगा के घड़ा उठा लिया, जैसे आगे कदम बढ़ाया पैर फिसल गया, पटक लगी, घड़ा जमीन पर गिर गया, टूट गया घड़ा, फूट गया। जब घड़ा फूट गया, राजा कालू मेहतर के पास में कांपता हुआ पहुंचा। आइएगा सभी भक्त भगवान का एक संकीर्तन बोलेंगे बड़े भावपूर्वक, उसके उपरांत भगवान की पावन कथा।